मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, मिलने तक, मिलने तक, मिलने तक, मिलने तक, मिलने तक। दिल्ली की कोहरे भरी सुबह में दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा था। खुद राहुल गांधी भी सुबह सुबह ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, क्योंकि राहुल गांधी मकर संक्रांति के शुभ बेला पर मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे हैं। इसलिए देश भर के बड़े कांग्रेसी नेता सुबह सुबह ही दिल्ली से मणिपुर की हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे और अपने अपने अंदाज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को परिभाषित कर रहे थे। हर नागरिक को मिले इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। यही कहना चाहेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा होगी। जैसे पिछली यात्रा सफल रही, इसमें न्याय शब्द और जोड़ा गया है कि जो अन्याय हो रहा है लगातार देश की जनता के साथ, वो न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो अंथक उन्होंने परिश्रम किया, देश में अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर किस प्रकार से सभी साथ चलें और देश को आगे लेके जाएं, और इतनी बड़ी यात्रा के बाद दोबारा से अब एक और मणिपुर से लेके मुंबई तक की जो यात्रा का उद्घोष आज किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले। हालांकि इसी बीच यह खबर भी सामने आई कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता जिस प्लेन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने के लिए इम्फाल जा रहे थे वो लेट हो गई है, क्योंकि दिल्ली में 14 जनवरी की सुबह भी आसमान से लेकर जमीन तक कोहरे का राज था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही एक नई तस्वीर सामने आ गई। ये प्लेन के अंदर की तस्वीर है जिसे कांग्रेस ने भी सोशल साइट एक्स पर जारी किया है। इस प्लेन में सभी कांग्रेस नेता एक साथ न्याय का हक मिलने तक का नारा लगाते देखे जा सकते हैं। इस फ्लाइट में आगे से लेकर पीछे तक कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बैठे हैं, नारा गूंज रहा है और सभी के चेहरों पर एक नया जोश दिखाई दे रहा है। न्याय का हक मिलने तक, 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 न्याय का हक, मिलने तक, न्याय का हक, मिलने तक, सहो मत करो मत, सहो मत करो मत, सहो मत करो मत, करो मत करो मत, सहो मत करो मत। इधर मणिपुर में भी जोरदार तैयारी जारी है। राहुल गांधी मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। देखना है कि 2024 के चुनावी मिशन से पहले राहुल गांधी की यात्रा पब्लिक के नब्स को कितना नाप पाती है, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा साल 2023 में संसद तक गूंजा था और इसकी गूंज सांसदों के रिकॉर्ड सस्पेंशन तक सुनाई दी थी और राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के लिए इसी मणिपुर को चुना है।